अस्सलाम वालेकुम। डेली फूड में आज बन रही है चिकन की कलेजी, जो बड़ी मज़ेदार कलेजी है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसका नाम है बलोची कलेजी। बलोची कलेजी इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा टेस्ट है जैसे बलोची टिक्के का टेस्ट होता है। और बहुत आसान सी रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने कलेजी ली है जिसमें मैंने पोटे भी डलवाए हैं, और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हसबे ज़रूरत, वैसे 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें, 1/2 चम्मच हल्दी। और बहुत ज़बरदस्त सी कलेजी बनेगी ये इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये कलेजी बलोची कैसे बनेगी मैं ये भी बताऊँगी। सबसे पहले हम लेंगे कलेजी को बॉल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल पिसी हुई मिर्चें, हल्दी। थोड़ी देर हमें मैरिनेट करके रखना है। नमक, ठीक है। मिक्सिंग मैंने कर ली है और अब मैं इस कलेजी को तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रखूँगी। अगर आपके पास टाइम हो या आप चाहो तो इसको 1 दिन पहले भी मसाला लगा के रख सकते हो, 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो, जितना टाइम हो आप उतनी देर के लिए रख सकते हैं कलेजी को। 1/2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। चिकन की कलेजी को तो मैरिनेट करके रख दिया है, लेकिन अब हम चिकन की कलेजी को बलोची कैसे बनाएंगे, तो उसका तरीका यह है कि मैंने इसमें साबुत मिर्चें लाल ली हैं, ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा लिया है और धनिया। इन सब को मैं भूनूंगी ऑयल के अंदर, शैलो फ्राई करूंगी और उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर करूंगी। मैं इसे बिल्कुल बारीक नहीं करूंगी, मैं इसे भुना कुटा मसाला जिसे कहा जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको साबुत नज़र आ रही होती हैं और वो भुनी भी होती है, उनका कच्चा फ्लेवर नहीं आ रहा होता, ऐसे ऐसे रखेंगे। और इंशाल्लाह रेसिपी पे वीडियो में आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा। पैन को मैंने गर्म पे रख दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी सिर्फ शैलो फ्राई के लिए। ये हमने शैलो फ्राई के लिए करा है। ये रेसिपी मेरी अपनी रेसिपी है और मेरे घर में सबको पसंद आती है ये रेसिपी। सब इसके साथ दही का रायता होता है और गरम गरम चपातियाँ, तो बड़े मज़े की लगती है। मसाला हमने जलाना नहीं है, हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, हल्का हल्का सा। जब तक फ्राई करेंगे जब तक एक हल्की सी खुशबू नहीं आएगी। अगर आप चाहो तो आप सब चीज़ें अलग अलग भी फ्राई कर सकते हो, मैंने सब एक साथ डाला है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था पैन, और अब माशाल्लाह से ये भी फ्राई हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं ये प्लेट में निकालूंगी और इसे ठंडा करूंगी, गरम गरम ग्राइंडर नहीं करूंगी, ठंडा होने के बाद करूंगी। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे मामूली सा ग्राइंडर करूंगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूंगी। मसाला मेरा रेडी हो चुका है, बलोची मसाला, ये देखें आप। ये मैंने 2 चम्मच ये वाले बड़े चम्मच भर के लिए हैं। कलेजी बनाना मैं शुरू कर रही हूँ। मैंने 1 कप ऑयल डाला है और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करा है। अब कलेजी को 1/2 घंटा हो चुका है। अब मैं ये कलेजी कढ़ाई में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मिक्स करेंगे। कलेजी को मैंने अच्छे से तेल में मिक्स कर लिया है। इसके बाद कलेजी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी, उसी पानी में हमारी कलेजी भुन भी जाएगी और गल भी जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं इसे ढकूंगी, हल्की आंच करूंगी। अब जो है कलेजी को तकरीबन 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच में, दरमियानी आंच पे कलेजी को 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चेक करते हैं कलेजी में कितना टाइम है। कलेजी में देखें अच्छा खासा पानी आया है, मैंने पानी नहीं डाला था, ये सब कलेजी का ही पानी निकला है। इसी पानी में हम कलेजी को गलाएंगे भी, इसी में हम भूनेंगे भी कलेजी, तो जब तक थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी खुशक हो चुका है और ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ चुका है।
अब मैं इसी ऑयल में और यही जो थोड़ा बहुत पानी है इसमें कलेजी को अच्छी तरह भून लूँगी। कलेजी को इतना अच्छे से भूनना है कि उसकी बिसान या स्मेल सी उसमें ना रहे। वैसे हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं ना उसमें अच्छी तरह भुन जाती है कलेजी। मैं अच्छी तरह कलेजी को भूनूंगी। बहुत अच्छे से कलेजी भुन चुकी है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, साथ में मेरी चीज़ भी है, चीज़ मैं खाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी। ये जो मैंने आपके साथ मसाला शेयर करा था ये डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कलेजी की थोड़ी छींटे भी होती हैं लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ढक देंगे। अब मैंने ढक दिए क्योंकि छींटे बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। अंदर ही अंदर हरी मिर्चों का और जो हमने बलूची मसाला बनाया था उसका एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है। और यह थोड़ा सा हम इसको ढकने के बाद जो है ना थोड़ा सा कड़क करेंगे तो बड़ा मज़ेदार से टेस्ट आता है उसका भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ़, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये देखिए आप, ये हमारी बलूची कलेजी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ेदार सी है ये। मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं थोड़ी सी कलेजी निकालूंगी और टेस्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम बहुत हो रही है। तुमने टेस्ट करी कैसी बनी है? बहुत मज़े की बनी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।